पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, दुष्ट हो, पापी हो, अधम हो, नीच हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा भी हो, अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति को छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसा है वो आपका देवता है, वो आपका भगवान है, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। अब आप कहें महाराज जी शराबी है, हाँ तो पति को शराबी नहीं होना चाहिए। यदि पति शराब पीता है तो उसे समझाओ कि ना पिए, फिर भी यदि पीता है, समझाने पर भी दुष्ट है, आपको मारता है, आपको गाली देता है, आपको सताता है, शराबी है, मांसाहारी है, जुआड़ी है, बाजार में आपको बेचने की बात करता हो, ऐसा पति हो किसी का, तो नारी को ये समझना चाहिए, अच्छा छोड़ देने से भी तो समाधान नहीं है, कल दूसरा पकड़ोगी तो क्या भरोसा कि वो भी अच्छा होगा। इसलिए अब आप साइलेंट होकर के जो हमारे कर्मों का दंड हमें मिल रहा है उसे चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब भी सुख मिलता है वह हमारे पुण्यों से मिलता है, और जीवन में जब दुख मिलता है तो वो हमारे पाप का दंड है। हमारे पाप ही कई बार हमारा पति बनकर हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो सारी जिंदगी हमें सताता है, और वो कर्म दंड है, भोगना पड़ेगा। कभी कई बार तुम्हारा बेटा तुम्हें सताता है, तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे पाप ही तुम्हारे कर्म दंड बनकर आए हैं, भोगना पड़ेगा। कहां जाओगे, किसी किसी जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ता है। पति मिल जाए दुष्ट, पत्नी कई बार पत्नियां दुष्ट मिल जाती हैं, झेलना पड़ता है, क्या करो, ये सब कर्मों का खेल है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पति कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि शराबी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है, शादी होने के बाद अब वो जैसा भी है परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करो, ऑप्शन नहीं है दूसरा। हम सनातनी है ना, हमारे यहां पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाने का ऑप्शन नहीं है, है? इसलिए हमें जब पति सताए पति दुख दे या पत्नी सताए पत्नी दुख दे तो समझ लेना चाहिए ये हमारे किसी ना किसी जन्म के पापों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। हमने किया होगा कभी इसके साथ गलत, तो आज ये हमारे साथ कर रही है या कर रहा है। एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, नाम है तुकाराम जी, सत्संग करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, विट्ठल नाथ जी का बड़ा भजन करते हैं, संत हैं। पत्नी बड़ी दुष्ट है, सत्संग कर रहे थे श्री संत जी तुकाराम जी, पत्नी आई और गरज कर चली गई, क्यों जी काम धाम नहीं करना, दिन भर सत्संग करते हो, भगवान खाने को देंगे क्या, कह के चली गई। सत्संग करते रहे तुकाराम जी, कुएं से पानी भरकर लाई, मटके में पानी भरा, सिर पे रखा, देखा उसने कि अभी भी बैठे हैं, गुस्से में अपने पति के ऊपर भरा हुआ घड़ा पटक दिया। तुकाराम जी के चेलों ने शिष्यों ने देखा, महाराज आपकी पत्नी तो बड़ी दुष्ट है। तुकाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, क्यों, ये आपको गाली देती है, ये आपके ऊपर भरा घड़ा पटक दिया, मारती है आपको। तो तुकाराम जी बोले, यदि ये मेरे से प्यार करती तो मेरा मन इसी में लगा रहता, ये मुझे सताती है तो कम से कम मेरा मन इसमें ना लग के भगवान के चरणों में ही लगा रहता। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि मुझे ऐसी पत्नी दी, पहले तो आकर गरज गई, बाद में आके बरस गई।
मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए जीवन में। पति अब मिल ही गया है, बदलने का कोई ऑप्शन है ना? तो आप पत्नी बदल सकते हैं, बड़ी लंबी झंझट है, लंबा प्रोसेस है, ना पति बदल सकते। अब जो है वो किस्मत ने जो दिया है, जो तुम्हारा कर्म था, दंड था, मिल रहा, भोग लो। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय है काटना पड़ेगा। दशरथ जी को भी कैकेयी जैसी पत्नी मिल जाती है। दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी मैं तेरे पांव छूता हूं, मेरे राम को वनवास ना भेजो वरना मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, कल मरते हो तो अभी मर जाओ। कौन पत्नी अपने पति से कहेगी कि मर जाओ? कोई पत्नी चाहती है कि मेरा पति मर जाए? पर कैकेयी ने चाहा, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो कि दशरथ जी पर क्या बीती होगी जब पत्नी ये कहे कि मर जाओ। इतना सता दिया कि दशरथ जी बेमौत मारे गए। दशरथ जी के मरने का समय नहीं था वो, दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। कितनी उम्र बाकी थी अभी? 2000 वर्ष बाकी थी। पूरी उम्र जिए बिना दशरथ जी केवल कैकेयी के उस वचनों पे मर गए कि जिससे इतना प्यार किया, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी ने विश्वासघात कर दिया। दशरथ जी सोचे, होगा ये मेरे किसी जन्म का हिसाब। इसलिए कर्मों का दंड भोगना पड़ता है मेरी मां, इसलिए परेशान ना हुआ करो। पत्नी अच्छी है बुरी है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया, तुम जानवर हो, जानवर। अच्छा, आपकी पति आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करेंगे? ए भैया, आपकी शादी होगी? बताओ, आपकी पत्नी आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करेंगे? रोएंगे आप? तुम भी कह दोगे, तुम भैंस हो। फिर आपकी पत्नी शादी हो गई, आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे उस पर? नहीं करेंगे? इतने भोले हो? आपकी पत्नी है, आपको जानवर बोला कभी उसने? नहीं बोला। कभी बोल दे तो आप क्या करेंगे? मारेंगे? आप कोई जवाब नहीं देंगे? वाह, कलयुग में पति बहुत अच्छे मिल रहे हैं क्यों? आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे? इसके सिवा ऑप्शन भी नहीं है। कर भी क्या सकते हैं? आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? पीले भैया, ऐसे हाथ जोड़ लेंगे? अच्छे पति बैठे हैं। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया, तुम जानवर हो, तो उसके पति बड़े पॉजिटिव थे, सकारात्मक विचार के थे। उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। जानवर, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे बराबर। हो गई व्याख्या। अब इस बात पर आप चाहो तो महाभारत कर लो और चाहो तो हंस के टाल दो। तो जीवन में रिश्ते संभालना हो तो कुछ बातों को हंस के टालना पड़ती है, हंस के टालना पड़ता है। इसलिए समझदार वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हंसकर टाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई का पहाड़, ये कहावत कितने लोग समझते हैं? आप लोग नहीं समझते राई का पहाड़? राई किसे कहते हैं आप बताओ? हाँ, सरसों के दाने को राई कहते हैं। कहावत कहते हैं गांव में कि लोग, अरे राई का पहाड़ बना लिया, मतलब छोटी सी बात का आपने बात का बदंगड़ बना लिया, बड़ा कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो जरा सी बात को बड़ा
कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बात को हल्के में टाल देते हैं। तो रिश्तों को चलाने के लिए छोटी बात को बड़ी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बातों को हंस के टालना पड़ता है, तब ये रिश्ते चलते हैं। तो रिश्ते चलाने के लिए चाहे पत्नी की तरफ से कहा जाए चाहे पति की तरफ से कहा जाए, हंस कर टाल दिया करो। आपस में लड़ने से भी तो कोई लाभ नहीं है, रिश्ते बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पति जैसा हो पत्नी जैसी हो, अब ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप दिया है, ग्रहण करो, स्वीकार करो और हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को जियो। ये समाधान क्यों जी सही है? लड़ने से कोई लाभ है? तुम उस पर केस करो वो तुम पर केस करे, तुम उसका माथा फोड़ो वो तुम्हारा फोड़े, ये कौन सी समझदारी है? इसलिए पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम हो। अच्छा, गृहस्थी चलाने के लिए क्या जरूरी है? सवाल 15 करोड़ रुपए के लिए है, 15 करोड़ रुपए का सवाल है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 15 करोड़ का ज्ञान आपके खाते पर। गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन 4, पहला प्यार, दूसरा प्यार प्रेम, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता या चौथा झगड़ा। रिश्ते चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? प्यार, पैसा, सहनशीलता, झगड़ा। क्या क्या तो आप लोगों के अंदर है? यदि आप कह रहे हैं सहनशीलता तो आपका सही जवाब है और आप 15 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर लिए, आप ज्ञानी हैं। लेकिन अब ये ज्ञानी केवल रट्टू तोता ना बन जाना, चरितार्थ करना इस ज्ञान को। सहनशीलता से रिश्ता चलते हैं, रिश्ते चलते हैं। रही बात के प्रेम से नहीं चलते क्या? तो जो लड़का लड़की कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, मनमानी शादी कर लेते हैं, कई बार उनका भी प्रेम विवाह ब्रेकअप हो जाता है, उनका भी तलाक हो जाता है, क्योंकि प्रेम से किया था पर सहनशीलता नहीं थी, सह नहीं पाए जरा सी बात पत्नी की या पति की, रिश्ते टूट गए। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए सबसे जरूरी है सहनशीलता। तो सहनशीलता आपके अंदर हो, सहो, जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। तो रिश्तों को चलाइए, प्रेम से चलाइए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ऐसे जिंदगी चलाओ। और दोष ना दो पत्नी को कि तुमने ऐसा किया। पति बुरा हो अच्छा हो जैसा है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। यदि आपके जीवन में विपत्ति आई तो विपत्ति सबके जीवन में आई। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। इस संसार में विपत्ति सब पर आएगी, तो आप पर भी आएगी, हम पर भी आएगी। दोष ना देना, किसी को दोष क्या देना, जो हमारे भाग्य में था वो हमें मिला। क्यों जी? हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता पीता है। इसलिए विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे बन को, तो बताओ दोष किसको देंगे? न देना दोष कह कहीं को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई माता द्रौपदी पे, सभा में चीर हरण करते, भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश, पर क्या करें, न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती। आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में विपत्ति नहीं आई? आई कभी ना कभी छोटी या बड़ी आपदा विपत्ति सबके जीवन में आए, और इन्हीं विपत्तियों से भरे हुए जीवन को जिंदगी कहते हैं साहब। इसलिए रोते रोते नहीं,
ये जिंदगी माना कि संसार दुखों से भरा है, माना कि संसार विपत्तियों से भरा है, लेकिन इस दुख और विपत्तियों के संसार में एक किरण है और वो है गोविंद की किरण, वो भक्ति की किरण है, एक सहारा भगवान का है। उस ईश्वर के आश्रित जो रह लेता है वो इस विपत्ति के संसार में, दुख के संसार में भी खुश रह लेता है। जिंदगी तो गुजारना है, चाहे रोकर गुजारो हंसकर गुजारो। आपको क्या पसंद है, रोना या हंसना? हंसना या रोना? मैया विपत्ति सबके घर होती है, सबके जीवन में होती है, फर्क इतना है कोई हंसकर विपत्ति को टाल लेता है, कोई विपत्ति में रो पड़ता है। हाँ बस मेरी माँ, कोई दुख से भाग जाता है, कोई अपने पॉजिटिविटी से दुख को भगा देता है, फर्क इतना है, कोई हार जाता है तो कोई हरा देता है। हारना या हराना आपके ऊपर है। विपत्ति आएगी, आप में से कोई नहीं बचेगा, विपत्ति सबके जीवन में आएगी। अब हारना है या उसे, जब आपके जीवन में संकट आए तो आप साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना, उस विपत्ति के दिनों में कोई गलत निर्णय ना लेना, बोलना मत ज्यादा, चुप रहना, टल जाएगी। संकट आते हैं टल जाते, जैसे घाव हो गया तो धीरे धीरे आप उसमें दवाई लगाओ या मत लगाओ, कुछ मत लगाओ तो भी समय पर वो घाव भर जाएगा। दवाई लगाओगे तो हो सकता जल्दी भर जाए, पर कुछ भी ना करो तो भी घाव भरना है। जीवन में आई मुसीबत उस घाव की तरह है कि आप कुछ भी ना करें तो भी मुसीबत आई है, कुछ भी मत कीजिए अपने आप चली जाएगी। ये दिन रात की तरह जीवन में आए हुए संकट होते हैं, जैसे रात आई है तो बिना कुछ किए आपके चली जाएगी, और दिन है तो भी आपके बिना कुछ किए। ये जीवन में सुख और दुख दिन रात की तरह। अच्छा बताओ, जीवन में दुख, आप कई बार सोचते हैं कि भगवान ने दुख क्यों बनाए, बनाना ही नहीं था, सब सुखी होते। अच्छा बताओ, दुख होना सही, दुख होना जरूरी है या नहीं? बताओ दुखों की क्या जरूरत है, बताओ दुख क्यों है, आप बताओ दुख क्यों है? भगवान चाहते तो सुखी सुख होता, कोई दुखी ना होता, बताओ फिर दुख क्यों बनाया भगवान ने, दुख की रचना क्यों की भगवान ने, उत्तर दो। जीवन में दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ही ना होती। जीवन में दुख ना होता तो सुख का कोई महत्व होता? आज सुख के महत्व को लोग इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि जीवन में दुख आता है, और दुख इसलिए है कि उस दुख में आप भगवान को याद ज्यादा करते हैं, ईश्वर का स्मरण उस समय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, इसलिए ईश्वर ने बैलेंस बनाया। जरूरी है, सोचो कि दुख ना होता, स्त्री को बच्चा पैदा करने में सुख होता है कि दुख, बोल लो। स्त्री को बच्चा पैदा करने में सुख होता है कि दुख? जोर से, जोर से, दुख होता है। कितना तड़पती है, मछली की तरह छटपटाती है, प्रसव की पीड़ा आप सारी स्त्रियां जानती हैं, अथाह दुख होता है, अपार दुख होता है, लेकिन उस दुख के बाद जब सुख मिलता है पुत्र का, तब वो सुख ज्यादा प्यारा लगता है। सोचो कि आपको प्रसव का दुख ना होता तो शायद तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी इतनी ममता ना होती, इतना अटैचमेंट ना होता, क्योंकि आप क्या कहती हैं, बड़े दुख के बाद पाया है इसे। तो दुख के बाद जो चीज मिलती है ना, उसकी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है। आप
1000 रुपए कमाइए मेहनत करके, और आपको रास्ते में 1000 रुपए पड़े हुए मिल जाएं, तो रास्ते में पड़े हुए 1000 मिल जाएंगे वो, और मेहनत करके जो आपने 1000 कमाया है वो, दोनों में अंतर होगा। हाँ या ना? दुख से मिली चीजों में जो सुख है अथाह, इसलिए भगवान गोपियों के संग जब रास रचा रहे थे ना, तो रास रचाते रचाते भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए, अंतर्धान हो गए, चले गए। गोपियां छटपटाती रहीं, तड़पती रहीं, रोती रहीं, बाद में आ गए। क्यों गए थे? जब आना था तो गए क्यों थे? बोले जाते नहीं तो मिलने की इतनी उत्कंठा जो अब जागी है, वो उत्कंठा तो पहले थी ही नहीं। वियोग के बाद संयोग का जो सुख है वो अलग है, बिछड़ने के बाद मिलने का जो सुख है वो मिलते मिलते का सुख नहीं है। आप अपनी माँ से या आप अपनी पत्नी से रोज मिलते हैं, रोज के मिलने में वो सुख नहीं है। जब आप सालों बाद अपनी पत्नी या अपनी माँ के पास या अपने बच्चों के पास आते हैं, सालों बाद जब आप ड्यूटी पूरी करके अपना काम पूरा करके जब आते हैं अपनी माँ के पास, सालों बाद जब माँ से मिलते हैं, तो वो मिलना वो बिछड़ने के बाद मिलन है, वो वियोग के बाद संयोग है। आपके बच्चे सालों से आपसे दूर थे, आज आप मिले हैं, तो वियोग के बाद जो संयोग होगा, उस संयोग में जो आनंद है वो अलग आनंद है।